हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम्स ले रहे हैं फैक्टर से रिलेटेड। ये प्रॉब्लम्स जो हैं पीएससी एमएससी इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए उस समय बहुत ही उपयोगी होती हैं, प्रायः काम में आती हैं जिस समय वे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इन जनरेटिव फंक्शंस डिफरेंशियल इक्वेशंस डिफरेंस इक्वेशंस आदि की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। उन प्रॉब्लम्स को करते समय बीच बीच में कभी इस प्रकार के एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, किसी इस प्रकार के व्यंजक आ जाते हैं जिनके हमें फैक्टर्स करने होते हैं जो प्रायः नहीं किए होते हैं छात्रों ने। इसलिए इस प्रकार के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम आपको बतलाएंगे। इन प्रॉब्लम्स को आप समझ लीजिए ठीक से, उनको याद कर लीजिए, यदा कदा देखते रहिए, जैसे कि आपका उस समय जो आप मेन क्वेश्चंस कर रहे हैं उस समय आपका इस फैक्टर्स के करने में समय व्यतीत व्यर्थ में ना हो। तो आज का प्रॉब्लम्स है रिजॉल्व इनटू द फैक्टर्स, ये हमारा प्रश्न है। इसको हमारे लिए एक्स की पावर 4 टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसके हमें फैक्टर्स करने हैं। इसके फैक्टर्स करने के लिए क्या करते हैं हम कि ये एक्स की पावर 3x की पावर स्क्वायर लिखा हुआ है, इसके दो पार्ट कर लेते हैं हम, एक 2x स्क्वायर और एक 1x स्क्वायर, और इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब जैसा का तैसा लिख लिया, इसके दो पार्ट कर लिए 2x स्क्वायर और एक x स्क्वायर, और ये वैसा का वैसा लिख दिया 2x प्लस 1। इस x की पावर 4 को वैसा का वैसा लिख दिया और इन दो टर्मों में से हमने 2x स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पर आपका बचेगा x प्लस 1, और ये इतना जो व्यंजक है ये हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद हमने x की पावर 4 को लिख लिया x स्क्वायर की पावर स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू x प्लस 1 इंटू प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमने जो है x स्क्वायर को a मान लिया और x प्लस 1 को b मान लिया, तब हमारा ये व्यंजक बन जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और जैसा कि आप जानते हैं इसका जो आपका पूर्ण वर्ग होता है ये a प्लस बी का पूर्ण वर्ग होता है, इसलिए इसके स्थान पे लिख दिया हमने a प्लस बी का होल वर्ग। अब इसके बाद a और b की वैल्यू पुट कर देंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b वी हैव एक्स स्क्वायर ए की वैल्यू लगा दी, बी की वैल्यू लगा दी, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर ये आ गया। इस प्रकार से आपका ये जो प्रॉब्लम थी इसके ये फैक्टर्स हो गई। ये फैक्टर्स जो हैं इसी कैटेगरी इसी स्टाइल से करे जाएंगे, इसी मेथड से करे जाएंगे तो कुछ सरल होंगे, और वरना आपका समय खर्च होगा। इन मेथड को आप समझ लीजिए, विचार कर लीजिए, याद कर लीजिए, जिससे कि आपका उस समय समय बच जाए। अगले क्लासेज में हम और नए प्रॉब्लम्स लेके चलेंगे और वो आपको बतलाएंगे। धन्यवाद।